है करेक्शन ऑफ आइस के हवाले से। देखिए आइस के डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं और उन डिफेक्ट्स को कैसे क्लियर किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट का मतलब जाहिर है कम होता है। देखिए एक बात याद रखने के रियाज रखिएगा कि जब बात शॉर्ट साइटेडनेस की हो रही है, कुछ लोग समझते हैं कि करीब की चीज नजर नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि नियर ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, करीब की चीज बहुत अच्छी दिख रही है, प्रॉब्लम का होता है दूर की चीज में, दूर की चीज में। शॉर्ट साइटेडनेस यंग एज में भी हो जाती है, 7-8 साल की उम्र के बच्चे को भी हो सकती है। इसका रीजन क्या होता है कि वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, जिसके नतीजे में रेटिना के फ्रंट पे बनती है, जिसके नतीजे में आई वॉल क्या हो जाता है, एलोकेटेड। एलोकेटेड का मतलब क्या है, फैल जाता है, किसी की यूं एकदम हो गई, इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो समझे हो गए भाई उसको क्या हो गया है, शॉर्ट साइटेडनेस हो गई है। अब हर बीमारी का हल करना होता है, शॉर्ट साइटेडनेस का हल जो करते हैं हम, वो एक कॉनकेव लेंस लगाकर करते हैं। कॉनकेव लेंस जिसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। पता है ना कैसे होता है भाई, कोने जो है हमेशा इसके चौड़े होते हैं और सेंटर से थिन होता है। कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस लेंथ हमारी थी शॉर्ट थी, इन रेस को बढ़ा देगा और ये रेस कहाँ बन जाएंगी, रेटिना में। तो ये एमसीक्यू आ जाता है कि भाई शॉर्ट साइटेडनेस को किससे कवर करते हैं, कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंस से करते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस में हमें कहाँ के ऑब्जेक्ट दिखते हैं क्लियर, नियर दिखते हैं, कहाँ के नहीं दिखते, फॉर्नी दिखते हैं। दूसरी बात, शॉर्ट साइटेडनेस के नतीजे में क्या कब होती है, जब फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट हो और इमेज फ्रंट में बने रेटिना के, आई बोल क्या हो जाते हैं, एलोंगेटेड हो जाते हैं। तो ये सारी एमसीक्यूज हैं जिसमें पॉसिबल है। लॉन्ग साइटेडनेस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था जो नाम दिया है ना, बस याद रखो कि वो चीज बिल्कुल क्लियर दिखती है। लॉन्ग साइटेडनेस में फॉर दूर की चीज हमें सही दिखेंगी, करीब की चीज हमें नहीं दिखेगी। इसमें मामला उल्टा होता है, फोकल लेंथ लंबी होती है, लेंथ ज्यादा होती है, नतीजतन रेटिना की बैक पे बनती है। रेटिना की बैक पे बनेगी तो आई विल बहुत श्रिंक हो जाएगी। अक्सर होता है ना आंखों में चिपड़ लगे हुए, बिल्कुल ऐसे ही दिख ही नहीं रहा भाई कुछ भी, तो वो वाले भी सूरत हाल हो जाती है। तो मेरे भाई इसको सही कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस हमें पता है सेंटर से थिक होता है, एजेस थिन होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है जी, कन्वर्ज करते हैं रेस को। तो उसके बाद भाई ये सही हो जाएगी, रेस जो बहुत फोकल लेंस लंबी थी करीब आ जाएंगी और रेटिना में बढ़ने लगेगी। मेरे भाई लॉन्ग साइटेडनेस का याद रखें कि 35 साल की उम्र के बाद ही होती है। किसी की सही उम्र अगर पता लगानी है और लॉन्ग साइटनेस हो गई है, तो चाहे वो अपने आप को 18 का बता रहा हो, समझ लो 35 साल का हो गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बात शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस के हवाले से। मजीद हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के हवाले से और वीडियोज़ देते रहेंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहें। थैंक्स।